सर, यही भेड़िया के डर से लोग डरे हुए हैं, इसलिए हम लोग भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं, पूजा अर्चना भगवान के स्मरण में लगे हैं। वन विभाग लोग आते हैं जब कांड हो जाता है और इसके बाद वो कोई बचाव नहीं कर पाते हैं। बजरंग बली से गुहार करते हैं कि वही हम लोगों को बचाएंगे और हम लोग उन्हीं के शरण में आए हुए हैं। बहराइच के गांव वालों के इस एक एक शब्द में सिस्टम के प्रति भरोसा खोने की गवाही मौजूद है कि गांव वाले कहते हैं कि अधिकारियों और उनकी कोशिशों को बहुत देख लिया, अब तो हनुमान ही भेड़िये के आतंक से बचाएंगे। हम सब अधिकारियों को भी देखा है, आ करके गांव में निकलते हैं और सीधे चले जाते हैं। बस बजरंग बली के शरण में आए हैं, ये अपनी ही गदा से हम लोगों को बचाएंगे। बहराइच के पंडोइया गांव में युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक और बच्चों से लेकर महिलाएं तक बजरंग बली से मदद मांग रहे हैं। ये महावीर हैं, इसलिए हम इनके शरण में हैं। पूरा गांव हमारा बैठ करके इन्हीं का पाठ कर रहा है। बहराइच के 35 से ज्यादा गांव के करीब 60 से 80 हजार लोग हर रात को कयामत की रात की तरह गुजारते हैं कि किस पर भेड़िये की दस्तक होगी और वो मौत की नई कहानी लिख देगा। ना डर है भेड़िया हमारे, हम सबको घुट घुट के जीत है। जितना खाना बनाओ उतना रखा रहा था, छोटे छोटे बच्चे हैं, खातना है लेटरी। दो दिन पहले भेड़िये ने 3 साल की अंजनी को उसके घर से दबोच लिया और जब उसका शव मिला तो उसके दोनों हाथ भेड़िया खा चुका था। ये वही घर है अंजलि का, 3 साल की बच्ची, जिसे भेड़िया उठा ले गया। आप ये देखिए, यहीं पर लोग सो रहे थे, गेट नहीं लगा था, रात को आया और यहाँ से भेड़िया उस बच्ची को अपना शिकार बनाकर चला गया। अंजलि को मारने से पहले भेड़िये ने 3 अलग अलग लोगों पर हमला किया था जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सोमवार रात को करीब 12 बजे भेड़िये ने 5 साल की अफसाना पर हमला किया। पानी चला कैसे वो आ गया? घर में दरवाजा नहीं है? नहीं है कुछ ऐसे। बड़ी गरीबी। 3 साल की अफसाना खाना खाने के बाद अपनी दादी के साथ घर के आंगन की चारपाई पर सो रही थी और उसी वक्त एक भेड़िया आया और उसने हमला कर दिया। दादी ने देखा तो वो चिल्लाई और बाकी लोग भी दौड़े, तब जाकर भेड़िये ने अफसाना की गर्दन छोड़ी और भाग गया। तो जैसे चिल्लाए तैसे हम ऐसे चिपचाए थे, दादा दौड़ लो दौड़ लो। रात में हल्ला इन्होंने किया तो ये पता चला कि भेड़िया बच्ची को उठा के ले जा रहा है, तो हल्ला हुआ तो हम लोग भी आए तो छुड़वाए उसको। क्या इससे पहले भी इस गांव में आया? नहीं, कभी नहीं आया था, पहला चक्कर है। सुना आपने, जिस इलाके में भेड़िया कभी नहीं आता था वहां पर भी आदमखोर ने अब आतंक मचाना शुरू कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना ये मानने को तैयार ही नहीं है कि यूपी में आदमखोर की इमरजेंसी वाले हालात पैदा हो गए। पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है, पिछले साल डेथ ज्यादा हुई, इस बार वो नहीं है, उतनी नहीं है। मंत्री जी, हालात इतने खराब हैं कि बहराइच के गांव में रहने वाले ये गरीब लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए खून पसीना एक कर देते हैं और रात रात भर जाग कर गांव में पहरा देते हैं, क्योंकि आदमखोर भेड़िया इनके बच्चों पर अटैक कर रहा है। और हम लोग बस इसीलिए भेड़िया के चक्कर में भैया ये लाठी डंडा लेकर अपना बच्चे को दिक्कत हो रही है सोने बार में, बहुत दिक्कत हो रही है सोने में, और आज दिन भर काम करते बच्चे के लिए बताते हैं क्या। बावजूद इसके वन मंत्री कहते हैं कि हालात पिछले साल की तुलना में ठीक है, तो हम अब वन मंत्री को उन्हीं की पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह का बयान सुनवाते हैं, जो लगातार भेड़िये के आतंक से निपटने के लिए गांव वालों के साथ हाथ में बंदूक लेकर रात रात भर पहरा देते आ रहे हैं। हर साल ही होता है ना? नहीं, हर साल नहीं होता है। हमारी घटनाएं तो इलाके में हुई जाती हैं।
करीब 20 साल पिछले साल भी ऐसी घटना हुई थी गांव के बच्चे। साल फरवरी में मात्र दो घटनाएं घटी थी जिसमें एक की लाश मिली थी एक की लाश नहीं मिली थी, तो उसको तो हम एक ही मानेंगे कि जानवर से खाया गया है। इसके पहले 20 साल पहले तक तो ऐसी कोई घटना नहीं। अभी बस ये घटनाएं इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ी। इसके पहले तो कोई घटनाएं हुई नहीं, यहाँ पे कोई घटना नहीं हुई इसके पहले। वन मंत्री जी अपनी ही पार्टी के विधायक का बयान सुनिए जो उसी इलाके से आते हैं और पूछिए कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। वन मंत्री अरुण सक्सेना से अपील है कि इन माओं से पूछिए जिनकी खूनी भेड़िए ने गोद उजाड़ दी है। को जान तिपले भैया हम खुद ही बचा ली तिपले भैया का। बहराइच के अलग अलग गाँव में मातम पसरा हुआ है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यूपी सरकार के मंत्रियों तक को जमीन पर हालात का पता नहीं है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि उनकी जानकारी में एक हफ्ते से कोई घटना हुई ही नहीं है। इधर हमको अंदाजे कि एक हफ्ते के अंदर कोई घटना नहीं हुई है। एक हफ्ते के अंदर घटना नहीं हुई? एक हफ्ते के अंदर घटना वहाँ नहीं हुई है। परसों एक बच्ची को मारा है, मारा है बहराइच में, बहराइच मारा है परसों, बहराइच में बच्ची को मारा है, दो औरतों को घायल किया है, कल रात में भी एक बच्ची को घायल किया है। लगातार घटना हो रही है, आपको बताइए, आप कह रहे हैं पता ही नहीं। हमको जानकारी नहीं सुनाते हैं, बता रहे हैं जो जानकारी है। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।